लेट एक्स वाई बी वॉल्यूम्स एम एंड बी मासेस ऑफ टू मेटेलिक क्यूब्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे पी और क्यू का मास और वॉल्यूम दिया गया है और इसी मास और वॉल्यूम को यूज करके इन्होंने दो अलग से वेरिएबल बनाया हुआ है, एक यू और एक वी। तो यू लिखा हुआ है एम बाई एक्स, जहां पे एम मास ऑफ पी है और एक्स वॉल्यूम ऑफ पी है, मतलब मास बाई वॉल्यूम। और आप जानते रहना मास बाई वॉल्यूम जब आप करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। मीन्स यहाँ पे यू और वी, पी और क्यू की डेंसिटीज दी गई, यानी डेंसिटी का ये रिलेशन चार ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे पी और क्यू के मास और उनके साइड का कुछ रिलेशन दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है ईच साइड ऑफ क्यू इज टू टाइम्स दैट ऑफ पी एंड मास क्यू इज टू टाइम्स दैट ऑफ पी। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट देता हूँ, उसके बाद फिर इस प्रॉब्लम पे आते हैं। तो जैसे मान लो आपके पास कोई एक क्यूब है, तो क्यूब में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे अगर इस साइड को ए लिखोगे तो ये भी ए होगा और इसका हाइट भी ए होगा। तो जब इसका वॉल्यूम लिखते हो तो वॉल्यूम होता है साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, मीन्स साइड के पावर 3। ये हो जाएगा ए पावर 3। अगर ये क्यूबॉइड होता इस तरीके से, तो इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग होता है। तो अगर ये एल हो गया, ये ब्रेथ और ये हाइट, तो इसका वॉल्यूम हम लोग लिखते हैं एल इंटू बी इंटू एच। तो अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे मेटेलिक क्यूब्स हैं, इसलिए ये वाला आपको हिसाब यूज करना है, मीन्स वॉल्यूम आपका जो साइड होगा उसके पावर 3 लिखना है। अब यहाँ पे आपके पास जो मेटेलिक क्यूब है कितने हैं, दो, एक पी है और एक क्यू। तो पहले इन दोनों का साइड लिखते हैं। इस पी का जो साइड है उस क्यू के साथ क्या रिलेट करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ईच साइड ऑफ क्यू इज टू टाइम्स दैट ऑफ पी, मतलब क्यू की जो साइड होगी वो पी के साइड की डबल होगी। तो अगर इसका साइड हम ए लिखेंगे तो क्यू का साइड आपको लिखना पड़ेगा 2a। जब इनका आप वॉल्यूम लिखोगे तो इसका वॉल्यूम होगा a पावर 3 मीन्स ए क्यू, और इसका लिखेंगे 2a पावर 3 मीन्स 8a क्यू। ये तो हो गया वॉल्यूम। अब आते हैं मास पे। अब मास में कह रहा है कि मास ऑफ क्यू इज टू टाइम्स दैट ऑफ पी, यानी पी का जो मास होगा उसका 2 टाइम्स मास होगा क्यू का। तो अगर पी के मास को हम एम लिखेंगे तो क्यू के मास को आपको 2m लिखना पड़ेगा। अब आ जाइए यहाँ पे रिलेशन पे, जो रिलेशन है वो बोल रहा है। तो पहले का जब आप डेंसिटी लिखोगे मीन्स यू, तो पहले का मास लिखना पड़ेगा जो कि m है, और पहले का वॉल्यूम लिखना पड़ेगा जो a क्यूब है। सेम ऐसे अब इस दूसरे का लिखोगे v का, तो इसका मास लिखोगे 2m और वॉल्यूम लिखोगे 8a पावर 3। अब हम लोगों को निकालना है यहाँ पे u और v का रेशियो। तो रेशियो कर दो, m बाई a पावर 3 होल डिवाइडेड बाई, जब ये वाला टर्म आप लिखोगे, जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन लिखते हो तो दूसरे वाले फ्रैक्शन का हम लोग रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 8a³/2m। m से m को कैंसिल करना है, a क्यूब से a क्यूब, ऊपर आएगा 8, नीचे आएगा 2, कट करोगे तो आ जाएगा 4, मीन्स u/v=4। अब v को इधर भेजोगे ताकि मल्टीप्लाई करेगा, तो u इक्वल टू हो जाएगा 4v। मतलब इन दोनों में रिलेशन यही है, u इक्वल टू 4v, जो कि ऑप्शन ए दिख रहा है, इसलिए ए वाला हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा साइंस थोड़ा सा मैथमेटिक्स दोनों यूज हुआ है फार्मूले के लिए, तो इसलिए फार्मूला इन्होंने पहले से मेंशन कर दिया है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर ये रिलेशन मेंशन नहीं करता तो आपको ये पता होना जरूरी हो गया होता कि डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी दूसरे प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।